मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने सिरोंज पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शमशाबाद के महानीम चौराहे पर अल्प समय के लिए रुके और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाला बयान बहुत शर्मनाक है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर NIA द्वारा जांच की मांग की है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की बातों के कई मायने होते हैं। सोनिया गांधी को धारा 370 वाले बयान पर कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। वही बंगाल की हिंसा पर विजय वर्गीय ने कहा कि बंगाल में हिंसा राज्य द्वारा प्रायोजित है, बंगाल में जंगल राज चल रहा है। चुनाव के बाद हमारे 45 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। गंजे बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बयान दिया है, उनके सुर में सुर मिला है फारूक अब्दुल्ला ने, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की कांग्रेस का स्टैंड है क्या, और है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के इस बयान की सबने निंदा की, हम भी निंदा करते हैं। सर, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस बयान के ऊपर से एक पत्र लिखा है गृह मंत्री जी को, NIA द्वारा इसकी जाँच कराने की मांग की। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस प्रकार का बयान देते हैं कि उन बयानों पर बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, और इसलिए VD शर्मा जी ने जो कहा है उसी संदर्भ में कहा है। तो आप क्या चाहते हैं, जांच होनी चाहिए? जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो फिर हम तो उसके साथ खड़े रहेंगे। बंगाल की राजनीति में आपने बड़े करीब से देखा है, जिस प्रकार की ममता दीदी की सरकार बनने के बाद उथल पुथल पैदा हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंसा और बंगाल की राजनीति का पर्यायवाची संबंध है। पिछले 4 दशक से वहाँ हिंसा बहुत ज़बरदस्त है। अभी भी अगर हम देखें तो इलेक्शन के बाद हमारे 45 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। तो मैं जब से प्रभारी हूँ 6 साल से लगभग 350 कार्यकर्ता अभी तक हत्या हो चुकी है। सिर्फ हमारे ही दल के नहीं, CPM के कम से कम 55 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, कांग्रेस के लगभग 80 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो वहाँ हिंसा की राजनीति बहुत हावी और राज्य प्रायोजित हिंसा होती है, वहाँ सरकार के द्वारा संरक्षण वाली हिंसा होती है, और ये बहुत शर्मनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदायक है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने ये आरोप लगाया है ज्योतिराज सिंधिया पर कि सिंधिया जी आते हैं तो अपने मंत्रियों से मिलती है, क्योंकि उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं कांग्रेस पर। चाचौड़ा के विधायक ने तो दिग्विजय सिंह जी के बयान का ही विरोध किया, वो तो पूछ ही नहीं रहा यार। उन्होंने कहा कि धारा 370 नहीं हटना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।